तो कैसे हैं आप लोग। बड़ा क्रेजी में आप सभी का स्वागत है और ये एक क्रेजी सा रिव्यू है अरमान की अपार्चर की एक छोटी सी लाइट के बारे में जिसकी प्राइस इतनी छोटी नहीं है, बट ये लाइट काफ़ी सही है गाइस। ये आप इसका पाउच देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। इसको आप आपके जीन्स में या फिर कहीं भी लटका के रख सकते हैं ताकि आप इजीली फटाक से लाइट निकाल सको। इसके अंदर कुछ है? कुछ है ही नहीं, तो डाल देते हैं। तो ये उसका स्टैंड है गाइस, जिसके ऊपर आप हॉट शू माउंट करके कैमरा पे भी लगा सकते हो ये लाइट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। ये कुछ जिलेटिन पेपर्स या फिर जेल्स है गाइस, जिससे आप उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। और एक डिफ्यूज़र है जिससे आप लाइट को मध्यम कर सकते हो। मेरे को मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है, इसके लिए मैं कंफ्यूज हो गया गाइस रिकॉर्डिंग के टाइम। तो ये है वो लाइट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कितनी क्यूट सी लाइट है ना गाइस ये। तो देखिए गाइस, इसमें एक 5 वोल्ट का डीसी चार्जर दिया गया है, एक ऑन ऑफ स्विच दिया गया है और एक प्लस माइनस का बटन दिया गया है, दो अलग अलग बटन जिनसे आप इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। ये ऐसे खुल जाता है गाइस और इसकी आपको दिखता होगा कि इसके अंदर 9 लाइट्स है, इसीलिए शायद ये ALM9 कहा गया है अपार्चर की इस लाइट को। और एक स्टेटस का दिया गया है जहाँ पे जब वो ऑन होता है तो वहाँ से एक ब्लू लाइट आती है, तो वो भी काफ़ी सही है। उसके बाजू में जो लाइंस दी गई है गाइस, वो शायद से वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि बीच बीच में ये गर्म हो जाता है अगर आप इसको फुल इस पर रखोगे तो। और इसके जो 4 डॉट्स है गाइस, वो पूरे मैग्नेटिक है और इसके लिए ये एक दूसरे से स्नैप ऑन हो जाते हैं। इनका आवाज़ कितना सही है देखिए, और मुझे काफ़ी पसंद है गाइस। इसकी क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है गाइस। अभी इसमें बैटरी ज़रा भी नहीं है, इसको चार्जिंग लगा देते हैं, 1-2 मिनट के अंदर ये इतना चार्ज हो जाएगा कि हम इसे फिर ऑन कर सकते हैं। ऑन हो गया है गाइस ये, और ये देखिए ये मैक्सिमम पावर है, उसको ऑफ कर दिया है, ये फुल पावर है, काफ़ी सही लाइट है गाइस। और सबसे बेस्ट पार्ट अरमान या फिर अपार्चर के जो लाइट्स की, वो ये है कि इनका जो लाइट का क्वालिटी है वो काफ़ी सही है। मतलब स्किन टोन्स के ऊपर या फिर कोई भी चीज़ के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी स्मूथ और काफ़ी हाई क्वालिटी की लाइट्स आ रही है। ऐसा लगता है कि किसी फिल्म के अंदर लाइट गिर रही है, ऐसा लगता ही नहीं कि ये हमारी फुटेज है गाइस। मतलब अगर इसको ध्यान से इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा लगेगा गाइस। तो अभी इसकी लाइट ख़त्म हो गई थी, इसकी बैटरी हम लोग ने थोड़े टाइम के लिए निकाल दी है क्योंकि 4-5 मिनट चार्ज हो चुका है कम से कम, और ये 4-5 मिनट तो चली जाएगा। तो देखिए गाइस, इससे आपको जैसी चाहिए वैसी लाइटिंग कर सकते हो। और ये काफ़ी वर्सेटाइल छोटी सी लाइट है गाइस, और आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हो ये छोटी सी लाइट से। आप सोच रहे हो कि हम क्या क्या करेंगे, लेकिन आपको अगर बी रोल्स या फिर ऐसा कुछ शूट करना है या फिर कुछ इंटेंसिटी क्रिएट करनी है, कोई भी छोटे मोटे शॉट्स हैं जिनको आपको डालना है आपके फिल्म में या फिर आपके म्यूज़िक वीडियो में, जिनकी साइज़ इतनी बड़ी नहीं है जितना कि एक इंसान है या फिर कार जितनी, तो फिर आप ये कर सकते हो। ये देखिए गाइस, वक्त की रेत फिसल रही है। वक्त हमारे पास बहुत कम है गाइस, जो हमें करना है वो हमें करना ही है गाइस। बहुत जल्दी से भागो भाई और बहन, बस भागो और काम करो, जो तुमको पसंद है वो करो गाइस, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो गाइस, ये छोटी वाली लाइट जो है मुझे काफ़ी पसंद है। हाँ, एक्चुअली ऑनेस्टली अगर बताया जाए तो मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट मुझे ये काफ़ी पसंद है। इसके साथ ये जो 2 जेल्स दिए गए हैं वो भी सही है, बस आपको वो जो उसके आगे का प्रोटेक्टिव कवरिंग है वाइट कलर का, उसको हटाना है, उसके बीच में जेल रखना है और फिर वो कवर को वापस से स्नैप ऑन कर देना है, और ये हो गई आपकी येल्लो लाइट तैयार। काफ़ी सही क्वालिटी की येल्लो लाइट। ये येल्लो मतलब इतनी भी येल्लो नहीं है, लेकिन आप इसमें और भी जेल्स ऐड कर सकते हो। मैंने अभी अभी जस्ट खाना खाया, इसके लिए बीच बीच में से मेरे को ऐसे डकार आ रही है, बट ठीक है। और गाइस देखिए, ये है ब्लू कलर की लाइट, इससे सब कुछ ब्लू हो गया है। इसको आप वाइट बैलेंस में चेंज करके और भी ज़्यादा ब्लू कर सकते हो गाइस, तो वो भी काफ़ी सही है। ये 2 चीज़ें मुझे काफ़ी सही लगती हैं इस लाइट के बारे में। लाइट की क्वालिटी भी काफ़ी सही है, मैंने इसको 2-3 बार गिराया भी है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है इससे। मुझे तो काफ़ी सही लगती है, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफ़ी सही लाइट है ये गाइस। देखिए, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक डिफ्यूज़र भी दिया गया है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ,
जो डिफ्यूज़र होता है वो गाइस मेरे हिसाब से, मुझे इतना भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है डिफ्यूज़र करता क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से डिफ्यूज़र जो है वो हाइलाइट्स को और थोड़ा मेलो डाउन कर देता है और थोड़ा सा क्या बोलते हैं सॉफ्ट कर देता है हाइलाइट्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, ये देखिए ये है विद डिफ्यूज़र और ये है विदाउट डिफ्यूज़र। आई होप गाइस आपको थोड़ा समझ में आ रहा है। ये एक डिटेल्ड रिव्यू नहीं है गाइस, ये एक क्रेजी रिव्यू है। अगर आपको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो वो कुछ और दिन करना पड़ेगा गाइस। आज अभी तक तो कोई कमेंट में मुझे कुछ बताया नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या पसंद है, कुछ तो बताओ। कुछ बता ही नहीं रहे हो गाइस। तो ये लाइट इन जनरल गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो सकती है अगर आप उसे यूज़ करना सीख जाओ। और ये चीप लाइट है ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये अच्छी लाइट है ऐसा मैं कह सकता हूँ गाइस, क्योंकि ये लाइट काफ़ी अच्छी है और डिसेंट सी है गाइस। अगर आपको ये लाइट पसंद है तो आप इसे ख़रीद लो। और किसी को अगर कुछ डाउट है इस लाइट के बारे में तो मुझे बताओ। मेरे पास यार एक MX की खतरनाक लाइट थी 17,000 की, बहुत चोरी हो गई।